जब भंडरू फॉल जाते हैं या फिर जोहना फॉल जाते हैं तो उसका जो रोड है बड़ा ही ख़राब है, क्योंकि मैंने गौर किया था कि मेरा जो गाड़ी है वो 50 से ज़्यादा का स्पीड में नहीं जा रहा था, बट यहाँ पर जो गाड़ी है आपका 80-100 की स्पीड में आप चला सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और जर्नी और ये पतरातु घाटी दोनों का ही आपको बहुत मज़ा आएगा। लेक को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको विकसित किया गया है, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपका जो मन है ऐसे प्रसन्न हो जाएगा। तो ये झारखंड सरकार का ये एक अच्छा पहल है कि उसने इस लेक को हमारे लिए खासा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया है। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो नया दिन नया ब्लॉग में आपका स्वागत है और बताना चाहूँगा इस वक्त हम लोग रांची की इस टूर में घूमते घूमते झारखंड के स्वर्ग में आ गए हैं, और इसको मैं स्वर्ग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो जगह है ये स्वर्ग से कम नहीं है। और बेसिकली बताना चाहूँगा, आप पीछे में देख सकते हैं बैकग्राउंड, बेसिकली हम लोग यहाँ पर पतरातु घाटी में हैं जिसको झारखंड सरकार ने ये प्रस्ताव दिया था कि यहाँ कि इसको फिल्म सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। एनीवे, लॉकडाउन के बाद इसका क्या हालात है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त ये नया साल का समय चल रहा है, यानी कि पिकनिक का सीजन है, ऐसे में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर भी उमड़े हैं। अभी बेसिकली ये सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट जैसे जैसे समय होते जाएगा आप लोग देखिएगा जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर एक जोनर को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये रांची का एकमात्र ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर साल भर यानी कि 12 मास यहाँ पर भीड़ लगे रहता है, यानी कि लोगों का आना जाना लगे रहता है। बाय द वे इस खूबसूरत नज़ारा को देखिए, देख लीजिए इस बेमिसाल पतरातु घाटी को, यानी कि पतरातु भैली को। बताना चाहूँगा ये जो भैली है जितना खूबसूरत नज़र आता है ये उतना ही ख़तरनाक है। और मुझे याद है जब मैं लॉकडाउन से पहले यहाँ पर आया था तो उसमें भीड़ नहीं था और काफ़ी मज़ा आया था, बट अब लॉकडाउन हट चुका है, नो डाउट फिर से कोरोना आ रहा है, और यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई घटना तो नहीं घटा है। बट यदि आप पहली बार आते हैं और यदि आप गाड़ी को तेज़ी से भगाते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो चीज़ जितना खूबसूरत होता है वो अक्सर उतना ही ख़तरनाक भी होता है। बाद बाकी यहाँ आप इस नज़ारा को देखिए, अगर आपको इस तरह का नज़ारा को देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिकली देखना हो तो यहाँ पर आइए। बाद बाकी अगर नहीं आ सकते हैं तो आने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरा ब्लॉग को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कमेंट्स करते रहिए। अगर मैं इस पतरातु घाटी की लोकेशन की बात करूँ तो ये हमारे रांची शहर से महज 35 किलोमीटर यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये रामगढ़ वाला रास्ता में है। और बताना चाहूँगा ये एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर भी आते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक ख़ास पसंदीदा जगह है जहाँ पर उनको आकर्षक लाजवाब व्यू मिलता है। तो मैं भी यही बोलूँगा, आप लोग भी आइए। और जैसे कि मैं बता रहा था, इस पतरातु घाटी को कुछ ही दिनों में फिल्म सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, तो आई होप ये बहुत जल्दी हो जाएगा और हम लोग फिर से यहाँ पर मज़ा ले सकेंगे। इस नज़ारा को देखिए, क्या लाजवाब नज़ारा है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब ये कैमरे में इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है तो आप जब प्रैक्टिकल यहाँ पर आएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और बताना चाहूँगा फ़िलहाल तो मेरा मन में एक इच्छा है कि एक ड्रोन को उड़ा लिया जाए, तो मेरा सपना भी बहुत जल्दी पूरा होगा, मैं बहुत जल्दी ड्रोन लेने वाला हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को स्काई व्यू शॉट्स भी दिखाऊँगा ड्रोन का, कैमरे की नज़र से आप लोगों को मैं प्रकृति का जितने भी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस होंगे उसका मैं आप लोगों को सैर कराऊंगा। मैं दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पतरातु घाटी तक पहुँचना बहुत ही आसान है, और दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ जो यहाँ तक आने का जो रोड है यानी कि रामगढ़ का जो रोड है वो बड़ा ही खूबसूरत है, आपको कहीं भी गड्ढा उड्ढा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जब भंडरू फॉल जाते हैं या फिर जोहना फॉल जाते हैं तो उसका जो रोड है बड़ा ही ख़राब है, क्योंकि मैंने गौर किया था कि मेरा जो गाड़ी है वो 50 से ज़्यादा का स्पीड में नहीं जा रहा था, बट यहाँ पर जो गाड़ी है आपका 80-100 की स्पीड में आप चला सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं
और जर्नी और ये पतरातू घाटी दोनों का ही आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ इस पतरातू घाटी के बाद आप जब नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ पर आपको पतरातू लेक मिलता है, जिसको बोलते हैं पतरातू झील। और बताना चाहूँगा ये जो पतरातू झील है, यहाँ पर एक रिक्रिएशन सेंटर है जहाँ पर बच्चों लोगों का खेलने का बहुत सारा मनोरंजन का जरिया है। तो फिलहाल हम लोग वहीं जाएंगे और उस पतरातू लेक को भी कवर करेंगे। बैद अब यहाँ देखिए, अरे वाह। तो फाइनली इस वक्त हम लोग यहाँ पतरातू लेक में आ चुके हैं। बताना चाहूँगा इस पतरातू लेक को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको विकसित किया गया है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपका जो मन है ऐसे प्रसन्न हो जाएगा। तो ये झारखंड सरकार का ये एक अच्छा पहल है कि उसने इस लेक को हमारे लिए खासा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया है। चलिए मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पतरातू लेक से सूर्य देवता को नमस्कार। और यहाँ इस पतरातू लेक रिसोर्ट को देखिए, क्या ज़बरदस्त तरीके से इसको विकसित किया गया है। जो भी यहाँ आएगा वो बिल्कुल फिदा हो जाएगा। और मैं तो झारखंड सरकार का तारीफ़ करूँगा इसके लिए कि उन्होंने इस जगह को, इस टूरिस्ट प्लेस को इतना बढ़िया से डेवलप किया है, विकसित किया है। और इसीलिए ऐसे ख़ास त्यौहारों पर यहाँ पर अक्सर यहाँ पर भीड़ होता है, उसका ही रीज़न है। और सचमुच में ये जो जगह है बड़ा ही कमाल का है। इन्हें भी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर और मज़ा करते हैं। ये नज़ारा देखिए आफ्टर लॉकडाउन, इस पतरातू लेक का नज़ारा। बताना चाहूँगा ये जो चिल्ड्रेन पार्क है ये पूरी तरह से बच्चों के आने से गुलजार हो गया है, लेकिन बिफोर लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा था तो ये पूरा सन्नाटा पड़ गया था। और एज वेल एज जैसे कि मैं बता रहा था, फिलहाल ये पिकनिक का सीज़न है। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर जो नाव है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर आकर के बोटिंग का मज़ा लेते हैं। ऐसे में यहाँ पर जितने भी नाव हैं उन सबको बढ़िया से अच्छी तरीके से सजाया गया है ताकि जो पर्यटक है उस तरफ आकर्षित हो सके। बैदा वे यहाँ पर इस नज़ारा को देखकर ही लग रहा है जैसे कि मैं विदेश में हूँ। और 20 रुपये का जो टिकट है वो टोटली पैसा वसूल है। सबसे पहले तो मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि इस पतरातू लेक में आपको एंटर होने के लिए 20 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक वैलिड होता है। और बिना टिकट का भी यहाँ एंटर नहीं हो सकते हैं। तो पहले ये व्यवस्था नहीं था, लेकिन अभी आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पर ये चेंजेस आया है कि विदाउट टिकट आप यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते हैं। तो इसी पतरातू लेक में बच्चों के लिए अच्छा खासा रिक्रिएशन सेंटर को तैयार किया गया है, साथ ही साथ बड़े लोगों के लिए भी। और मैं जिस बोटिंग का बात कर रहा था, मैं इसी बोटिंग का बात कर रहा था। आप यहाँ जब पतरातू लेक में आते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी से बोटिंग का फैसिलिटी मिल जाता है, और वो भी कम कीमत पर। और यहाँ पर लगभग साल भर बोटिंग होता है, तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और इस बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। लॉकडाउन के बाद यहाँ इस पतरातू डैम में आकर के मेरी जो यादें थी वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और मुझे याद है हम जब पहले लॉकडाउन के पहले आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पर खूब अच्छा खासा मज़ा किया था। तो अभी भी वो सब मेरा, वो जो यादें हैं वो अभी भी मेरा जहन में है। और सचमुच यहाँ पर आने से लगता है कि जैसे मैं अपना ही घर में आया हूँ। आप चारों तरफ देखिए, जहाँ भी देखिए आपको बोट ही बोट नज़र आएगा। और पिकनिक सीजन में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही होता है, यानी कि फेस्टिव सीजन में, यानी कि हॉलीडे में, कि आपको यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसे में जो बोटिंग वाले हैं वो भी बहुत खुश नज़र आते हैं। ऐसे में वो लोग आपको दोगुना रेट से आपको ट्रेवल करवाते हैं, बोटिंग करवाते हैं, तो मज़ा आता है। तो मैं भी आप लोगों से ही बोलूँगा, जब भी आप लोग रांची आइएगा तो इस पतरातू लेक में ज़रूर आइएगा और इस बोटिंग का मज़ा लीजिएगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि धूप का सीजन आ गया है क्योंकि पसीना आने लगा है। और दूसरा चीज़ मैं ये बोल रहा था कि आप लोग जब भी यहाँ इस टूरिस्ट प्लेस पर आइएगा, पतरातू लेक में आइएगा, तो समय लेके आइएगा क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी बड़ा है। ऐसे में आपके पास समय का होना ज़रूरी है।
तभी आप चीज़ों को बढ़िया से कवर कर पाइएगा, अदरवाइज़ आप भागम भाग में चले जाएंगे, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो समय लेके आइएगा और यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। तो लवली पीपल बताना चाहूँगा, आफ्टर लॉकडाउन यहाँ इस पतरातू लेक में आकर के काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और इसका जो टाइमिंग है 10 से 4 है, तो इसके बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।